केस है, फेमस हिस्ट्री में मार्बरी वर्सेस मेडिसन केस, 1803 का केस है। और इसमें साथ ही साथ एक अमेरिका के अंदर जो चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम है बिटवीन एग्जेक्टिव लेजिस्लेचर जुडिशरी, उसमें से एक ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी पार्लियामेंट कांग्रेस के एक्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और उसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। इसमें जो है हुआ ये कि जब एडम्स जो पिछला प्रेसिडेंट था, जो कि फेडरलिस्ट था, तो जाते हुए उसने अपॉइंट कर दिए कई जजेस जो कि फेडरलिस्ट माइंडसेट के थे। उसका क्या लेते कि आगे जो गवर्नमेंट आएगी उसमें हमारे जजेस काम आएंगे, तो उनको कहते हैं मिड नाइट जजेस। उसने अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसका नाम था मार्शल, उसको भी चीफ जस्टिस बना दिया तो ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सिनारियो चल रहा है इसके अंदर हुआ ये कि जो कुछ जजेस का अपॉइंट किया गया, कुछ को तो अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल गए लेकिन कुछ को ना मिल सके। जिनको ना मिल सके उनमें से एक का नाम था मारबरी, और मारबरी जो है उसने कहा कि मुझे अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए। लेकिन जो प्रेसिडेंट था थॉमस जेफरसन, उसने अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसका नाम मेडिसन था उसको मना कर दिया कि ये अपॉइंटमेंट लेटर्स किसी को भी नहीं देने जिनको नहीं मिले, तो मारबरी को भी नहीं मिले। तो मारबरी का केस चला गया, के वो केस लेकर गया सुप्रीम कोर्ट में, और वहीं उसका अपना फेडलेस जेन का बंदा बैठा हुआ है जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का, मार्शल, और इसने वो रिट कर दी, रिट ऑफ मैंडमस। रिट ऑफ मैंडमस ऐसी रिट होती है कि आप कोर्ट को ये कहते हैं कि कोर्ट ऑर्डर करे पब्लिक सर्वेंट को, इस केस में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या मेडिसन, कि वो अपने ड्यूटीज को पूरा करे, यानी कि इस केस में वो ऑर्डर्स हमारे हवाले करे। सो अब क्वेश्चन इज कि क्या मार्शल ही करेगा? मार्शल अगर कहता है कि जी मेडिसन को कि भाई ऑर्डर्स पूरे करो अपने, तो उसको पता था कि मेडिसन जो है ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन उस पर अमल नहीं करेगा। तो थॉमस जेफरसन का मतलब है कि अमल करना नहीं देगा। एग्जेक्टिव को आप जो प्रेशराइज नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर कर सकती है लेकिन उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि एग्जेक्टिव को प्रेशर फोर्स करे कि वो उन ऑर्डर पर अमल भी करवाए। इसका मतलब पता था कि उन्होंने इसको रिजेक्ट कर देना और एम्बैरसमेंट ही होनी है। दूसरी तरफ ये है कि अगर वो कहता है कि नहीं जी ये तुम जाओ, मतलब मैं तुम्हारे खिलाफ कर दिया केस मारबरी के, तो वो एक कहेंगे देखे जनाब ये तो डर गया मार्शल। तो मार्शल ने एक बीच का रास्ता निकाला, और वो ये निकाला कि उसने ये सोचा कि कोई ऐसा रास्ता निकालूं कि मैं ये कह सकूं कि ये पावर इस रिट ऑफ मैंडमस के तहत जो मुझे मिली है, यानी कि मार्शल को, ये मेरे पास जो ये जो मुझे दी गई है ये गलत तरीके से दी गई है। जब गलत तरीके से दी गई है तो फिर ये पावर मेरे पास है ही नहीं, और इसलिए मैं इस केस का फैसला कर ही नहीं सकता, उसे जान छुड़ाई। हुआ ये था कि ये जो रिट ऑफ मैंडमस है इसकी जो पावर मिली थी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, ये बेसिकली मिली थी बाय अ पार्लियामेंट्री एक्ट, नॉट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी ये वाली पावर, ये पार्लियामेंट्री एक्ट था, जुडिशरी एक्ट जिसे कहते हैं 1789 का, और उसमें ये एक आर्टिकल में लिखा हुआ था कि जनाब इस के तहत ये पावर किसको दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट को दी जाती है। उसने कहा कि देखो बात ये कि ये वाली पावर जो मुझे दी गई है रिट ऑफ मैंडमस वाली, वो जो एक्ट के अंदर मिली है, तो तुम लोगों ने कांग्रेस ने एक्ट पास क्यों कैसे कर लिया, हालांकि ये वाली पावर कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही नहीं। अब क्योंकि ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे नहीं दी तो तुम लोगों ने कैसे दे दी। इसका मतलब क्या हुआ कि कांग्रेस के मुझे पावर नहीं दे सकता, इसलिए उसने कहा कि फलां जो एक्ट है उसके अंदर वो जो आर्टिकल था वो उसने कैंसिल कहा जी हो जा जाना चाहिए क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और वहां से एक प्रेसिडेंट बन गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है फॉर दैट मैटर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को किसी सॉरी किसी भी कांग्रेस के एक्ट को डिक्लेयर कर सकता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और उसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू की पावर। मारबरी तो घर चला गया, लेकिन ये चीज सेट हो गई। लेकिन इस एग्जांपल में पता ये चल रहा है एक दफा फिर कौन डिटरमिनेंट था कि मैंने नहीं देनी ऑर्डर्स इनको मारबरी वगैरह को, वो था थॉमस जेफरसन, और ये वही कर सकता है जो एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट होता है। इसका मतलब है इसकी जो पावर से आप देख रहे हैं कि एक चीज लाजमी वाली चीजें आहिस्ता आहिस्ता जो है बनती हैं, और आज अगर एक प्रेसिडेंट स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा कल दूसरा भी लेगा और कल तीसरा भी लेगा, और एक प्रेसिडेंट की जो सीट होती है वो ज्यादा पे स्ट्रॉन्ग बनती चली जाती है। एक और वाक्य देखते हैं जिसमें जेफरसन ने एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया, वॉर का नाम है
ट्रिपोलिटन वॉर 1801 से 5, ये लिबिया का पुराना नाम है ट्रिपली, लिबिया के साथ कुछ और एक तो मुल्क है अफ्रीका में जो वहाँ से गुजरने वाले शिप्स से, साथ ही समंदर है मेडिटेरेनियन सी, उनसे वो बूटी लेते थे या ट्रिब्यूट लेते थे, भत्ता यानी कि लेते थे, और अमेरिकन जो शिप्स से उनसे भी लेते थे। पहले दोनों प्रेसिडेंट जो अमेरिका के थे वो देते थे, इसलिए चूंकि उनको लगता था कि जंग लड़ने की बजाय ये सस्ता पड़ रहा था। खैर जब ये आया टॉमस जेफरसन, जिसने कहा हम ये बता नहीं देंगे और हम तो जंग करेंगे, जंग में ये जीत तो नहीं सके लेकिन कम से कम ये हुआ कि आधा भत्ता लेंगे, वो लोग लेंगे लेकिन जरा इज्जत से लेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ ये नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें भी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजिडेंट नजर आ रहा है जो जंग लड़ने चला गया है भत्ता ना देने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि ये चीज़ बना रही है उसको फेडरलिस्ट करेक्टर नजर आ रहा है। और किस जगह, और किस जगह पे जहाँ जो है कुछ इस तरह के शो किया, लेट्स सी और किया। एक है एम्बार्गो एक्ट 1807, करीब थोड़ा ज़्यादा बैकग्राउंड के समझने की ज़रूरत है। बात यह है कि नेपोलियन इंग्लैंड को शिकस्त ना दे सका, हालांकि बाकी सब मुल्कों को उसने शिकस्त दे दी, जिसमें रशिया भी था, प्रशिया भी था, ऑस्ट्रिया भी था, हॉलैंड भी था, स्पेन भी था, लेकिन इंग्लैंड को शिकस्त ना दे सका, जो इंग्लैंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेवल पावर थी। इंग्लैंड को शिकस्त देने के लिए आपको समंदर क्रॉस करना पड़ता है, क्योंकि वो जरा समंदर पार है, और इंग्लैंड जो स्ट्रॉन्गेस्ट नेवल पावर उसको दे सका। अब उसको सोचा इसकी स्ट्रेंथ किस में, इंग्लैंड की वो थी इकॉनमी में, तो इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग वीक कैसे किया जाए, इस तरह किया जाए कि कोई भी शिप इंग्लैंड से ट्रेड नहीं करेगा, अगर करेगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। और इंग्लैंड ने कहा जिस पे अमल करेगा उसको पकड़ लेंगे, मतलब एक तरह से एक इकोनॉमिक वॉरफेयर स्टार्ट हो गई। अब अमेरिकन शिप्स बजाय तो न्यूट्रल थे, उनको चेक किया जाता था तो वो आगे नाराज होते थे, फ्रांस वाले भी चेक करते थे, इंग्लैंड वाले भी चेक करते थे, तो टॉमस जेफरसन ने कहा जी हम स्टैंड लेंगे। हम स्टैंड क्या लेंगे, हम स्टैंड ये लेंगे कि हम यूरोप के किसी मुल्क से ट्रेड नहीं करेंगे। उनका ख्याल ये था कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है यूरोप में, और अगर हम ऐसा कहेंगे तो वो बेसिकली हमारे क्या कहते हैं उसे मिंत्र तरले करेंगे कि हमसे ट्रेड कर लो। तो बाहर किसी ने कोई मिंत्र तरले कोई नहीं किया, उल्टा अमेरिका की इकॉनमी को नुकसान होना शुरू हो गया। यहाँ पे आगे जो भी हुआ वो अलग का पॉइंट है, लेकिन थिंग इज कि यहाँ फिर एक डिटर्मिंड प्रेसिडेंट है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन उल्टा ऐसा ना, खैर जाते जाने से पहले उसने एक एक्ट पास करवाया जिसके तहत उसने कहा कि हम बाकी यूरोप के मुल्कों से ट्रेड करेंगे सिवाय इंग्लैंड और फ्रांस के। आप इंग्लैंड फ्रांस रह गए, और फिर अगला प्रेसिडेंट आया, अब टॉमस जेफरसन का टॉपिक तो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद अगला प्रेसिडेंट आया तो उसने आकर, जिसका नाम था इसी का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था मेडिसन, उसने एक और एक्ट पास करवाया, उसमें उसने कहा कि हाँ अब आप इंग्लैंड और फ्रांस दोनों से ट्रेड करेंगे, लेकिन जो हमारे ऊपर वो जो चेकिंग वगैरह करता है वो रोक देगा, तो फिर हम उससे तो करते रहेंगे लेकिन जिसने नहीं रोकी उससे फिर हम नहीं करेंगे। इसका मतलब इस किस्म की बातें थी जो कि हमें बाद में, खैर हुआ ये था कि फ्रांस ने तो रोक दिया इसलिए ताकि अमेरिका इंग्लैंड से ट्रेड रोक दे, लेकिन हुआ ये कि हालात ऐसे बिगड़े कि इंग्लैंड और अमेरिका की जंग हो गई, जिसे कहते हैं वॉर ऑफ 1812, जो लेक्चर आप सुन चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारा जनाब आज का लेक्चर आपने देखा, जितने मैंने ये पॉइंट्स बोले हैं इनकी समरी तो आपने बतानी ही है, लेकिन साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ आखिर में ये जरूर बतानी है कि किस तरह से टॉमस जेफरसन ने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग प्रेजिडेंट के तौर पर पेश किया और कैसे उसने फेडरलिस्ट टच नज़र आया। अलबत्त इसकी जो हेडिंग है एग्रेरियन डेमोक्रेसी, ये बताती है कि वो एंटी फेडरलिस्ट था, और इसकी जो पॉलिसी है कि पीपल्स प्रेसिडेंट था, और ये वो अब पीपल्स प्रेसिडेंट की हेडिंग लिखी हुई, इसका मतलब ये नहीं कि उतना ही लिखना है, इसका मतलब पीपल्स प्रेसिडेंट का मतलब ये है कि उसकी एंटी फेडरलिस्ट पॉलिसीज। लेकिन साथ अब जब पीपल्स प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन आता भी है तो देखिए बात ये होती है कि हमेशा क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। सपोज करें पेपर में क्वेश्चन आता है कि राइट अ नोट ऑन टॉमस जेफरसन एज अ पीपल्स प्रेसिडेंट, आप कह दीजिए कि इस बुक के अंदर तो सिर्फ ये पीपल्स प्रेसिडेंट की हेडिंग दी हुई है ये वाली, तो बात मैंने इतना लिख के आगे ऐसा नहीं है। एक्चुअली पूरा क्वेश्चन उसके बारे में, पूरा क्वेश्चन इस तरह से उसके बारे में है कि पीपल्स प्रेसिडेंट से क्या पता लग रहा है कि वो बेसिकली एंटी फेडरलिस्ट प्रेसिडेंट है, लेकिन आप उसमें जो हेडिंग दी वो पीपल्स प्रेसिडेंट वाली भी थी, आप उसमें हेडिंग दी एग्रेरियन डेमोक्रेसी वाली हेडिंग भी थी, और आपने उसमें दी रिवर्सिंग सम फेडरलिस्ट पॉलिसीज, जो रिवर्स जो उसने कर दिया तो एंटी फेडरलिस्ट था। लेकिन फिर आप उसके कॉमेंट्स में जाएंगे कि भाई कहा तो यही जा रहा है कि ही वॉज अ पीपल्स प्रेसिडेंट, ही वॉज अ कॉमन प्रेसिडेंट, ही वॉज एंटी फेडरलिस्ट, लेकिन सर
बात ये है कि उसकी सारी पॉलिसी ऐसी नहीं थी। ऐसे अगर आप कहते हैं कि एग्जैक्टली वो पीपल्स प्रेसिडेंट है और वो आप समझते हैं कि पीपल्स प्रेसिडेंट का मतलब ये ठीक है, उसने कुछ लोगों को काम किया जो कि कॉमन मैन थे, लेकिन उसने और साथ ही चूंकि वो पीपल्स प्रेसिडेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो, उसका मतलब है कि उसके अंदर जो टच है वो आपको एंटी फेडरलिस्ट नजर आ रहा है, यानी कि वो एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट के तौर पर नहीं आना चाह रहा, उसके लिए सिर्फ ये सेंटर स्ट्रॉन्ग नहीं हो बल्कि स्टेट स्ट्रॉन्ग। लेकिन हम कह रहे हैं सर बात ये है कि उसने स्टेट्स को जो भी उसके लिए काम किया जिसने देखा पीछे भी पीपल्स प्रेसिडेंट के, लेकिन उसके साथ उसकी कई पॉलिसीज ऐसी हैं जिसमें उसने सेंटर को भी स्ट्रॉन्ग किया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पॉलिसीज कौन सी हैं उसकी समरी बनाकर आखिर वो जो की गोल्डन जुमले हैं जो मैंने भी बोले वो लिखने हैं, किस तरह से लुजियाना परचेज में, किस तरह से मारबरी केस में, किस तरह से ट्रिपोलिटन वॉर में और किस तरह से एम्बार्गो एक्ट में वो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट नजर आ रहा। सो आप देख रहे हैं कि इसलिए ये जो जो है बेसिकली थॉमस जेफरसन इसकी पॉलिसीज जो हैं उसमें आपको दोनों टच नजर आएंगे, तो इस लिहाज से आपने इस चीज को कॉमेंट्स देने हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।